सो बेसिकली मिसेस इंडिया इज सिर्फ मिसेस इंडिया है, हमारी हमारा मिस्टर में नहीं है, हम मिस में नहीं है, हम फेमिना मिस इंडिया जैसे सिर्फ मिसेस इंडिया प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली हमारे इस बार 33 फाइनलिस्ट है, यूजुअली 40 थे बट ड्यू टू रेन्स एंड कुछ इमरजेंसी नहीं आ पाते, हर साल ऐसा होता ही है, बट इस बार फाइनली 33 लोग आए हुए हैं और वो 33 लोगों को ग्रूमिंग का काम चालू है परिमल मेहता के थ्रू, एंड दैट्स हाउ वी कनेक्टेड विद द बीपीएम क्लब और बीपीएम क्लब ने उनकी पार्टी होस्ट की है ताकि उनकी वेलकम पार्टी हम यहाँ होस्ट कर पाए, उन फाइनलिस्ट को हम थोड़ा सा यू नो बॉम्बे की नाइट लाइफ दिखा पाए। कितने राउंड होंगे इसमें, कितनी कैटेगरी? सिर्फ परसोना मिसेस इंडिया में ऐसा ऐसा दो राउंड होते हैं, वन एथनिक राउंड जो आपका इंट्रोडक्शन राउंड होता है, अनदर वन विल बी योर क्यू एन ए राउंड। तो दो राउंड्स होते हैं, वन एथनिक वन इवनिंग गाउन इवनिंग वेयर गाउन राउंड, और सेकेंड राउंड में क्वेश्चन आंसर होते हैं टॉप 15 से, उसके बाद रनर अप्स एंड विनर्स निकलते हैं। तो टोटल आप मान सकते हैं इसमें दो राउंड्स होते हैं। आप इसके डायरेक्टर भी हैं, एमडी हैं, और किस तरह का है ये अगर कुछ सिलेक्शन के जो जज कितने रहेंगे, कौन रहेंगे? अर्चना कोचर, मनाली जगताप, अवि मित्तल, करण खंडेलवाल, आकाश चौधरी, देर आर मेनी मोर पीपल जो इसमें जूरी है, एज अ होस्ट है। टैलेंट राउंड की जूरीज जो हमारी हैं डॉक्टर अभिनव गुप्ता, अपार्ट फ्रॉम देम बहुत सारे लोग हैं, हमारे सपोर्टर्स बहुत सारे हैं, फिल्म ग्लैम मैगजीन हमारे साथ है, रेडियो मिर्ची है, सिमका है, इस बार ये शो अतरंगी चैनल पर आ रहा है। फाइनली हमें पाँचवें सीजन तक एक शो एक हमारा चैनल पर मिल गया, क्योंकि यूजुअली इवेंट्स बहुत होते हैं बट उन इवेंट्स को टेलीकास्ट करने के लिए कोई चैनल नहीं होता है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है। सो दैट्स हाउ पहले उल्लू था हमारे साथ, इस बार हमारे साथ अतरंगी चैनल जुड़ा हुआ है, और अतरंगी चैनल में ये टोटल 3 से 4 एपिसोड में दिखाया जाएगा वीकली वाइज, तो एक रियलिटी शो जैसा है फिर मिसेज इंडिया के लिए। अब कैटेगरी और हम क्या देखते हैं ऑडिशन में, बेसिकली एक औरत शादी के बाद अपना कॉन्फिडेंस लेवल खत्म कर देती है, मिसेज इंडिया सिर्फ एक ही चीज़ देखता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस हो, आप अपने आप को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो दुनिया के सामने। सो परसोना मिस इंडिया के जो ऑडिशन के जूरीज होते हैं यूजुअली हम उस बेस पे उन्हें सिलेक्ट करते हैं, उस कॉन्फिडेंस लेवल उनका, वो पॉजिटिव एटीट्यूड, वो स्माइली फेस। सो मिसेस इंडिया इज यू नो हम नहीं कहते कि वो मिस कैटेगरी का एकदम बहुत अच्छा फिगर होगा, बट मेरे हिसाब से वो मिसेस का सबसे बेस्ट फिगर हो सकता है, सबसे बेस्ट कैरेक्टर हो सकता है या सबसे बेस्ट पर्सनालिटी हो सकती है, उस बेसिस पे हम मिसेस इंडिया में लोगों को सिलेक्ट करते हैं। इसका फिनाले जीएम स्टूडियो पे है, इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम इसे शूट कर रहे हैं क्योंकि ऑफकोर्स इज अ शो, रियलिटी शो, तो फाइनली ये बोलना चाहूँगा 5 साल हो गए, 5 सालों मुझे आज भी याद है, आप सब आए थे मेरे शीक नाम से, मैंने इसे रिलीज़ किया था और बहुत बड़ा लॉन्च हुआ था उसका, पूरे फिल्मी जगत के लोग आए थे अंधेरी वेस्ट में, और वो दिन और आज का दिन मैं याद करता हूँ तो आज 5 साल हो चुके हैं। यूजुअली इवेंट्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं बट जैसे कि मैंने आपको बताया दिस इज़ नॉट एन इवेंट, दिस इज़ अ शो, एज वेल एज दैट ये हमारा सपना है कि मिसेस दूर दूर तक जाए, ये हमारा सपना है कि मिसेस को एक सही प्लेटफॉर्म मिले, मिसेस मिसगाइड ना हो। सो परसोना मिसेस इंडिया इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द मैरिड फीमेल्स, मैं यही बोलना चाहूँगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। 5th of July हमारा फिनाले है, ऑफकोर्स जब रिलीज होगा, ट्रेलर लॉन्च होगा इसका, तो आप सब तब भी इन्वाइटेड होंगे, फिनाले में भी आप लोग इन्वाइटेड होंगे, तो सारी अपडेट्स मिलते रहेगी। ये 5वां सीज़न है, सो लॉकडाउन में हमने 3rd सीज़न किया था, ऑफकोर्स लॉकडाउन में ऑनलाइन हुआ था, तो आप बोल सकते हो हमने परसोना क्वारंटीन क्वीन किया हुआ था, तो वो 3rd सीज़न में काउंट हुआ। बेसिकली ये 5th सीज़न है बट एक सीज़न ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन हुआ था, बाकी सारे सीज़न हमारे ऑफलाइन होते हैं। सो या परसोना पिछले 2 साल से हमने नाम भी चेंज किया है, शीक से इसे परसोना भी किया है, तो सर 5th सीज़न है और बहुत एक्साइटेड है हम सब, मैं, प्रियंका, मेरी मॉम बबीता वर्मा जी, मेरी DOP जो पूरी कैमरा टीम है, वो रुद्राक्ष है, वो कहीं और से आए हैं, नागपुर से आकर यहाँ पे हमारा सपोर्ट कर रहा है, सफ़ी अपनी एक फिल्म का शूट छोड़ के सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे होस्ट जो है वो शार्दुल पंडित है, आपने लास्ट ईयर उन्हें बिग बॉस में देखा होगा, श्रवण है, अजय श्रवण जो बहुत ही फेमस RJ एंड पॉडकास्ट प्रोड्यूसर है, तो बेसिकली टीम हमारी बहुत अच्छी है, फिनाले में बड़ा मज़ा आने वाला है और सब मेहनत बहुत करते हैं सर। थैंक यू। Was
परसोना मिसेस इंडिया, डायरेक्टर फाउंडर ऑफ परसोना मिसेस इंडिया, और मैं मिसेस यूनिवर्स रह चुकी हूँ ईयर 2017 में। और तब मुझे ऐसे लगा कि ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिनको आगे प्लेटफॉर्म तक जाना चाहिए, उनको मौका नहीं मिलता है। और ये पैजेंट इंडस्ट्री को लोग बहुत लाइटली लेते हैं, बल्कि मुझे मालूम है इस पैजेंट इंडस्ट्री से लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एंड उस तरीके से परसोना मिसेस इंडिया चालू हुआ। किस तरह का शो है ये, कितने लोग आपसे जुड़े हैं और आप इसमें कैसे काम कर रहे हैं? ये हमारा 5th सीजन है। हमारे पास हर साल कम से कम 50 औरतें आती हैं जो फाइनलिस्ट होती है। हम ऑलमोस्ट 16-17 सिटीज में ऑडिशंस लेते हैं और वहाँ पे कम से कम हमारे पास 1000-2000 के डेटाज आते हैं। उसमें से सिर्फ हम 50 सिलेक्ट करते हैं जो फाइनलिस्ट एज अ फाइनलिस्ट आते हैं। और वो सारी औरतें जो सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 4 में थी, वो सब हमसे जुड़े हुए हैं। जैसे कि अब ये सीज़न 5 है, हमारा फिनाले होगा। हमारे एक फर्स्ट ईयर के विनर्स से लेके 4 फोर्थ ईयर के विनर्स तक सब आते हैं। तो ये एक फैमिली बन जाती है और हम हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और इसकी ग्रूमिंग के लिए कौन ग्रूमिंग करेगा? हमने परसोना मिसेस इंडिया स्टार्ट हो रहा है 5th सीज़न। 5th सीज़न में आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इंडिया से हमारी पूरी लेडीज़ें आई हुई हैं। आज पहला दिन है उनका यहाँ पर, आज इंट्रोडक्शन और सारी चीज़ें हुई हैं। और मेरा परिचय बताऊं कि मेरा नाम बबीता सिंह वर्मा है और परसोना मिसेस इंडिया की डायरेक्टर हैं हम। और हमारे साथ के सभी लोग यहाँ आए हुए हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लेडीज़ें आई हुई हैं। अभी पहला दिन है तो उन्हें यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए लाया गया है। आप लोगों के सामने वो सब आएंगी और जो भी सवाल जवाब है उनका देंगी। उनको यहाँ से ही हम बधाई देना चाहेंगे कि जितनी भी मिसेज आई हुई हैं, सब मिसेस इंडिया तो है और सब अच्छे जीत के निकलेंगी और सब अच्छे तरीके से जाएंगी। हेलो, आई एम निता फ्रॉम भोपाल। थैंक यू फॉर परसोना फॉर गिविंग मी माय परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। नित्या फ्रॉम भोपाल, थैंक यू फॉर परसोना फॉर गिविंग मी मुझे वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच परसोना। आई एम फ्रॉम भोपाल। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूनम सेठी, आई एम फ्रॉम बैंगलोर। क्या कहना चाहेंगे परसोना के बारे में? आई एम रियली एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड टू बी पार्ट ऑफ द परसोना एंड आई रियली वांट टू थैंक प्रियंका, बबीता मैम एंड करण सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। हेलो एवरीवन, आई एम राशि धनवानी फ्रॉम पुणे एंड आई वुड लाइक टू थैंक परसोना फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। एंड एज परसोना सेज, स्पार्कल विद फेम, small steps for large achievements. I am very glad to be here and for I am from Jabalpur, Madhya Pradesh, and I am very thankful to Persona and all the group members of the Persona, and thankful to you also that I am standing here and a part of a grand finale that is Persona. So thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Patel, I am 39 years old from the cleanest city, Surat, city of diamonds and textile. The name Persona gave me a boost to prove my mettle to the world. So I think give a big thanks to Persona to prove my personality with my real self. Thank you. Hi, my name is Ankita Singh and I am from Pune. The reason I participated in Persona Mrs. India is to transform my life as well as to be an inspiration to many women like me. So I thanks to Persona that they have given me this opportunity to come here and present myself in front of all of you. Thank you so much. Hi, I'm Mrs. Shalini Bhattacharji from the city of Joy, Kolkata. I'm really very having this pleasure to perform on this platform where I can showcase my talent and make all the women to inspire that even women can do the same thing like the men do, and that's the boost to their life and they can have a positive vibes in their life. Thank you. Myself, Bhavna Gite Manjikar, I am from Mumbai. I want to be here to gain some new experiences and to infill my amusements. And from Bhardwaj, I'm from Ahmedabad, Gujarat. And through Persona Mrs. India, I want to win Big Boss Trophy. So send me. Thank you very much. I am Archana Bansir
from cultural capital of Chhattisgarh, that is Raigarh. I am 34. I'm by nurse is my profession, nursing is my profession, and Persona Mrs. India is a platform from where I can encourage every woman, if you believe in dreaming, then dream till it comes true. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम प्रिया साय है. मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ. 37 इयर्स ओल्ड हूँ और मेरा एक बेटा है 12 साल का. और मुंबई में अभी मैं 6 महीने से आई हूँ और अपना जो ड्रीम है वो मैं पूरा करने के लिए ही मुंबई आई हूँ. देखते हैं कहाँ तक जाते हैं. थैंक यू. हेलो एवरीवन, दिस इज मीता भल्ला फ्रॉम मुंबई एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ पर्सोना एंड टू एक्सपीरियंस दिस वंडरफुल जर्नी. And I am come with high hopes and I want to explore myself, seeing myself on high levels. I'm so thankful to Persona and the associates. Thank you so much. Thank you. Good evening and awesome evening to everyone. I am Vandana and I have came from very beautiful city of waterfalls, Ranchi, Jharkhand. And I am here for winning the crown Mrs. Persona 2022. Persona has given us such an amazing stage and platform so that we can show our talent from even from a small city. Thank you. Hello everyone, my name is Manjusha Jadhav and I am from Nagpur and I am very grateful to be the part of this event and this platform has given a space to explore myself. Okay, thank you. Namaste everyone, my name is Dr. Varsha Machin Raidke from Pune. I am 39 years old, graduate in homeopathy and homemaker. I have vision about that persona, that I thankful about Persona Mrs. India that gives us such a beautiful platform about to follow our bliss and happiness. Thank you. Hello everyone, I am Manpreet Kaur from the city of Har, Delhi. I'm married to a forgery and Persona gives me a platform to learn from the leaders of the industry apart from the talented participants that we have. It would really help me to work on my skills and to be the best version of myself. Thank you. Hello everyone, I'm Snigdha Mukherjee and I'm from Ahmedabad. I'm very grateful and thankful to Persona for giving me this opportunity to explore myself and show my talent to the world and explore myself to the fashion world. And it has given Indian married women a very good platform to show the best version of herself. Thank you so much. Hello, good evening all. First of all, I'm thankful to the Persona who selected me as the finalist. Myself, Shalini from Jalandhar. I am 40 years old. I have two kids and I'm very excited to come this platform because agar main yahan nahi hoti to aap se interact nahi kar pati aur aap media hi hain jo sabko direct hamari baat pahuncha sakte hain aur mera passion yahi hai ki main positivity phailaun aur sabko sahi guideline do. Thank you so much. Hi everyone, this is Dancing Gada. I'm an actor, choreographer, dancer. I've been delivering a daily dance cover since March 25th, 2020. So till yesterday, I covered 828 dance video. You can find me on Instagram, Dancing Ada is my ID. I would like to thank Persona Mrs. India for giving me this opportunity to be a finalist over here. And Persona is such a platform that, you know, it recognizes women who comes from all walks of life, who are independent and they look in unapologetically. So I would really like to thank Persona for, you know, giving platform to all those women who aspire to be themselves unapologetically and want to make a mark in this industry. So Persona, I give you my best and you give us your best. Thank you so much. Thank you. Hello, my name is Neeti and I am from Indore and I am so much thankful for Persona who selected me as a finalist and my passion is dance and I want to explore myself in acting, dancing, field and modeling field and fashion. Thank you. My name is Mamta Kumari, I am from Jharkhand. मैं पर्सोना में इसलिए आई हूँ कि मैं अपने आप को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहती हूँ, अपने आप को प्रूफ करना चाहती हूँ. मेरा बहुत सपना था कि मुझे ऐसा स्टेज मिले
पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ था नहीं अभी तक। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ करण सर का, बबीता मैम का एंड प्रियंका मैम का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग को दिया है जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा हूँ। मेरी एज 45 ईयर्स है, मेरे दो बच्चे हैं और मैं एक बिजनेस वूमेन भी हूँ। मेरी लुक्स की एक ब्रांच है गुड़गांव में। मुझे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं परसोना में इसीलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पर जो मैंने देखा है इस स्टेज पर कि यहाँ आउटर ब्यूटी से ज़्यादा आपकी इनर ब्यूटी को इन्हेंस किया गया है और यहाँ बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है उन लेडीज़ के लिए जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। थैंक यू परसोना के सभी मेंबर्स के लिए, बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू। फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। माय एज इज़ 52 एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन एक्ट्रेस एंड अ सिंगर आल्सो। एंड थैंक्स टू परसोना फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट एज अ फाइनलिस्ट। मैं उन तमाम औरतों के लिए अपने टैलेंट से एक संदेश देना चाहती हूँ जो ये सोचती हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो शादी के बाद सिर्फ चार दीवारी तक कैद है। नहीं, मैं चाहती हूँ कि हर वो महिला जो है वो जागरूक हो और अपने आप को पहचाने, अपने अंदर की सुंदरता को, अपनी सुंदरता को, अपनी काबिलियत को पहचाने भली भांति और दुनिया के सामने अपनी खूबियों को लाए। थैंक्स परसोना। Hello everyone, I am Mamta Gupta from Delhi and is a city of compassion, a welcoming city for all the religions. We respect every religion and we enjoy all the festivals together. And I have a kid called, his name is Trivit, and basically I chose this platform, Persona Mrs. India 2022. That I want to prove that every woman is very beautiful and without any color discrimination or any figure. I mean, every woman is beautiful and woman is all in all. I love creating new ideas and fashion. I am very much inclined towards photography and so many things like music, dance, so many things. I just want to learn throughout my life and leave a legacy behind. Thank you so much. Thank you all. Thank you. Namaste. मैं सविता आरडे नागपुर ऑरेंज सिटी कैपिटल सेंटर ऑफ इंडिया से हूँ। मैं एक होममेकर हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस, ग्लैमर, वुमन्स वॉइस, वुमन्स पावर, यही है परसोना और यही है मेरी पहचान। यही पहचान को एक्सप्लोर करने में आई हूँ मिसेस परसोना इंडिया में सीजन 5। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वर्षा डुमरे, माय गुड ग्रेशियस नेम इज़ वर्षा डुमरे, आई एम बैंकर। बैंक में आई हूँ कि कुछ न्यू एक्सपीरियंस के लिए और कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करके दिखाने के लिए, ताकि मैं लोगों को बता सकूँ कि मैं आगे जाके कुछ कर सकती हूँ और यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो जा रही है कि आगे मैं बढ़ सकूँ, ताकि और आगे जा सके कुछ लोगों को दिखा सकूँ और जो मिसेस घर में बैठी हुई है उन लोगों को भी बता सकूँ, दिखा सकूँ कि मिसेस भी मतलब सब कुछ कर सकती है। थैंक यू। हेलो, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। माई सेल्फ अंजू देसवाल, मेरी उम्र 44 है और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। रिसेंटली मैं चंडीगढ़ से हूँ। मेरे दो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। मैं परसोना का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हम मैरिड लेडीज़ के लिए वो प्लेटफॉर्म दिया है जिससे हम अपने सपनों को फिर से उड़ान दे सकते हैं। एक एज आने के बाद हम सब सोचना शुरू कर देते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर परसोना ने वो विश्वास सब में फिर से जगाया कि एक एज के बाद भी हम कुछ कर सकते हैं। तो हम सोचते हैं कि अगर आज हम कुछ कर पाए तो हमारे बाद जो जनरेशन आएगी वो भी कुछ कर पाएगी। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई दिस इज सोनल चौधरी। आई हैव अ लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड कर्नल दीपक चौधरी एंड सन एंड डॉटर तुषार चौधरी एंड निशिता चौधरी। आई एम अ हाउसवाइफ बाय प्रोफेशन। माय एज इज 51। आई हैव सेलेक्टेड परसोना because this is a good opportunity for me and I want to achieve my goal in this and I want to do my dreams come true. Thank you. Thank you. Thank you.
This is Hema Niranjan. I'm from Bangalore. I'm a serial entrepreneur. I run two businesses. One is interior designing and other one is a restaurant. And my purpose of entering this two persona business India is to build my confidence. And I wish all my co-contestants all the very best. And I want to thank the persona for this great opportunity. Thank you. And how Persona India was inspired? Sorry? How Persona India was inspired? No, I just wanted to explore myself. So I'm here in this stage. Hi, I'm Purva Saurabh Thakre and I'm from Orange City, Nagpur. I'm 37 years old and I'm a commercial model. I would like to thank Persona India and why Persona? Persona is the identity with my three qualities, bold, enthusiastic and hardworking ability. I want to become a next Mrs. Persona India 2022 season 5. And I want to make my own identity. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.